हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो टेक फ्री। दोस्तों दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि आप अगर मान लो आपके घर का जो बोर्ड का कनेक्शन खराब हो गया है तो आपको किस तरह बनाना है बोर्ड, और आपको हम इसी तरह से सारी चीजें इसमें मेंशन करेंगे। आप अगर मान लो वीडियो पे नए हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो चारों स्विच को एक ही तार में मतलब कि इन्होंने कनेक्ट कर दिया गया है, और इसमें चार शूज है और चार इसमें फाइव पिन लगी हुई है। 12 मॉडल का ये बोर्ड है दोस्तों, इसमें 12 ये चीज लग सकती है। आप अगर मान लो अगर शूज लगाओगे तो इसमें 12 लग जाएगी, फाइव पिन लगाओगे तो इसमें मतलब 6 लगेगी, मतलब फाइव पिन दो सॉकेट का एक ही में काम करती है, इसलिए ये दो सॉकेट की जगह लेती है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो चारों शूज को उन्होंने एक तार में लगा दिया गया है, और इसको मतलब कि अब एक एक फाइव पिन को एक एक शूज से जोड़ेंगे। आपके घर की जो कनेक्शन है दोस्तों आपको भी इसी तरह से करना है। अगर आपको नहीं आता है तो इस वीडियो को देख के ना आप अपना घर का कनेक्शन कर सकते हो। दूसरी बात दोस्तों, कनेक्शन करने के बाद में आपको बगैर एमसीबी से इसके अंदर वोल्टेज नहीं देना है। अगर मान लो आपने बगैर एमसीबी से इसमें वोल्टेज दिया और अगर मान लो आपने कहीं से गलत कर दिया तो लाइट फॉल्ट होने का डर रहेगा और काफी नुकसान भी हो जाएगा आपके घर का। तो प्लीज दोस्तों पहले तो आपको पूरी जानकारी ना रहे तो ऐसा काम ना करें, और अगर मान लो आप ऐसा करना चाहते भी हो कि यार हम सीख रहे हैं तो बगैर एमसीबी से इसमें करंट ना दे। अगर आप एमसीबी से करंट दोगे तो फिर इसमें अगर वोल्ट रहेगी तो आओ एमसीबी गिर जाएगी और आपका नुकसान कुछ भी नहीं होगा। अगर मान लो आपने किसी भी तरह से स्विच चिपका और अगर फॉल्ट हो जाती है और एमसीबी अगर मान लो गिर जाती है तो आपके घर का नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, और आपको समझ लेना है कि फिर हमारा जो कनेक्शन है दोस्तों वो गलत हो चुका है, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। फिर से उसको निकालना है और फिर से उसका कनेक्शन देखना है अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो इन्होंने एक एक शूज को एक एक फाइव पिन में जोड़ दिया, और अब जो फाइव पिन का जो दूसरा हिस्सा है दोस्तों, ये दूसरा हिस्सा इनमें नहीं जुड़ना चाहिए, इनका एक अलग ही तार चलेगा जो चारों फाइव पिन में एक अलग ही जाएगा, जिसको न्यूट्रल बोलते हैं दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने जोड़ सकता है और ये यहाँ पे एक जो यहाँ पे लगेगा और दूसरा दोस्तों उस वाली में लगेगा, मतलब कि ये जो एक जो फाइव पिन का कनेक्शन है, ये फाइव पिन का जो कनेक्शन दोस्तों एक ही तार अलग चलेगा इसका, और जिसमें न्यूट्रल का जो तार है वो लगेगा। अगर आपने ऐसा करा तो आपका घर की लाइट बिल्कुल भी खराब नहीं होगी दोस्तों, और ये अच्छे से वायरिंग भी हो जाएगी आपकी, और वायरिंग करना आप सीख भी जाओगे दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने फाइव पिन एक चारों फाइव पिन में एक ही कनेक्शन कर रखा है, चारों फाइव पिन का एक एक तार मतलब कि इसमें लगा रखा है, और दूसरी तरफ का जो तार है फाइव पिन का दोस्तों वो एक एक शूज में लगा रखा है। जब तक वो शूज मतलब कि फाइव पिन और ये जो न्यूट्रल फेस ना मिले, इसलिए आपको इस चीज का खास करके ध्यान रखना है कि फाइव पिन में अलग ही तार चलना चाहिए एक, और जो दूसरा तार है शूज वाला वो भी अलग ही रहना चाहिए। अर्थ और फेस मतलब मिलना नहीं चाहिए दोस्तों। न्यूट्रल अगर मान लो आपने कहीं से भी टच कर दिया या फिर गलत कनेक्शन कर दिया तो फॉल्ट होने का डर रहेगा। अगर मान लो आप एमसीबी से करोगे तो आपको वो दिक्कत भी नहीं आएगी। जब भी अगर मान लो कोई आप बोर्ड बना रहे हो या फिर बोर्ड बनाना सीख रहे हो तो बगैर एमसीबी से इसमें करेंट ना दे, और पहले एमसीबी लगा लें इसके अंदर। एमसीबी लगा के ने मतलब कि इसमें करेंट दे तो उसको एमसीबी गिर जाएगी और आपका कोई नुकसान नहीं होगा, तो आपको इसी तरह से करना है दोस्तों। वीडियो पे अगर मान लो आप नए हैं तो प्लीज इसको लाइक कीजिए दोस्तों, और आगे मान लो कोई भी आने वाली जो वीडियो है दोस्तों उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहेगा। भाई साहब ने यहाँ पे मतलब कि आप देख सकते हो ये फाइव पिन का तार यहाँ से गया, फिर वो दूसरी फाइव पिन का तार, और वहां से आया फिर ये तीसरी फाइव पिन का तार, इसी तरह से चारों फाइव पिन